किस चीज की फ्रेंचाइजी? ट्रेनिंग, अमेज़न, ईबे, एटसी, पूरी ई कॉमर्स और ट्रेनिंग सेंटर, जैसे अरीना मल्टीमीडिया था कह सकते हैं, उसी तरह आपका एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी आप फ्रेंचाइजी। व्हाई वुड आई बाय अ फ्रेंचाइज? जो फ्रेंचाइज ईएसपी की बेसिकली हासिल करता है उसको वो नाम और उसकी क्रेडिबिलिटी मिलती है। प्रोग्राम्स हमारे इस तरह के, जैसे हम अमेज़न होलसेल एफबीए के पाइनियर्स हैं, हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया एटसी, ईबे। कोई आके कहे कि मैंने दादू में बनाया है, मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं। 5 स्टूडेंट में उसको 12 नहीं खाएगा, उसको कम अज कम 20-25 स्टूडेंट्स चाहिए होंगे हर बैच में। इतने अगर वो कर लेता है तो 30 स्टूडेंट आप जहन में रखेंगे, 30 स्टूडेंट्स अगर वो निकालता है खर्चा निकल आएगा उसका और कमा भी लेगा। बिल्कुल ऐसे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा के साथ हूँ और हुज़ैफ़ा जो है वो फ्रेंचाइज देते हैं। किस चीज़ की फ्रेंचाइज देते हैं? मुझे पता नहीं। ट्रेनिंग, अमेज़न, ईबे, एटसी, पूरी ई कॉमर्स और ट्रेनिंग सेंटर, जैसे अरीना मल्टीमीडिया था कह सकते हैं, उसी तरह आपका एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी आप फ्रेंचाइज देते हैं। डन हो गई। कितने हो चुके हैं अभी तक? 13 ऑपरेशनल है, बाकी 3 इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। वाह, क्वेटा में भी आ गई? क्वेटा में इंशाल्लाह आ जाएगी, वो 16 के बाद है। जबरदस्त। अच्छा, व्हाई वुड आई बाय अ फ्रेंचाइज? फ्रेंचाइज यहाँ पे ESP, जैसे हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो लोगों को मिलता है वो एक उसकी क्रेडिबिलिटी नाम है। और क्रेडिबिलिटी इस तरह है कि ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान ने कभी क्वालिटी पे इतना ज्यादा कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। प्रोग्राम्स हमारे इस तरह के, जैसे हम अमेज़न होलसेल एफबीए के पाइनियर्स हैं, हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया एटसी, ईबे, मतलब इसके अलावा ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो ये बिजनेस मॉडल्स जो फ्रेंचाइज ईएसपी की बेसिकली हासिल करता है उसको वो नाम और उसकी क्रेडिबिलिटी मिलती है, क्योंकि ईएसपी वो सब हम देते हैं। कोर्सेज जी 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 वो कोर्सेज कितने हैं टोटल अभी? तकरीबन वैसे एक्टिव 5 हैं। नए फ्रेंचाइज जब ओपन होते हैं तो वो ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं, 1 और 2 से, उसके बाद फिर वो आगे बाकी टोटल 2 कोर्सेज पढ़ा सकते हैं इनिशियल। हाँ, इनिशियली जी। सही है। तो वो एक कोर्स होता है नंबर 1, उसका नाम है स्किल्ड प्रो, यानी कि ये VA की ट्रेनिंग होती है अमेज़न की, लेकिन ये बड़ी एडवांस लेवल पे होती है, सिर्फ होलसेल। उसकी फीस क्या होती है ट्रेनिंग की? 35,000 रुपीज। फ्रेंचाइजी को क्या मिलता है 35,000 में से? नॉर्मली उसका 70% होता है, लेकिन इसके अंदर टारगेट बेस होता है जी, ग्रोथ के ऊपर। और यानी अगर उसने 10 लोगों को बेचा तो 70 वो खुद रख लेगा, 30 आपको दे देगा जी। ठीक है। अच्छा, उसका ट्रेनर की फीस कौन देगा? वो खुद देगा, मतलब एक्सपेंसेस सारे उसके अपने। ट्रेनर ट्रेन करके कौन देगा? वो हम करा देते हैं, यानी कि ट्रेनर की ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनर आप देना देंगे, मास्टर ट्रेनर हमारे पास। ठीक है। कितने ट्रेनर होने चाहिए उसके पास इन कोर्सेज को कराने के लिए? सब्जेक्ट टू डिपेंड करता है कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज कितने लोगों की है। जैसे फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, उसमें कैनवा भी है, फाइवर भी है, अपवर्क भी है, और भी चीजें हैं। अब वो कैनवा का स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए होगा, अगर नहीं है तो फिर हम कहीं से हेल्प करते हैं प्रोवाइड करने में, या फिर हम उसको इस लेवल पर ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे ट्रेन कर सके, और फिर उसकी चेक एंड बैलेंस हम कर रहे होते हैं। ठीक है। चेक एंड बैलेंस हर चीज के आपके होते हैं? क्योंकि फोटो आपकी लगी होती है वहां पे। एग्जैक्टली, चेक एंड बैलेंस हम करते हैं, स्टूडेंट का फीडबैक लेना, यानी कि स्टूडेंट की कैसी प्रोग्रेस हो रही है, वो सब चीजें हम देख रहे होते हैं हमारे लेवल पे। जबरदस्त। अच्छा, तो दूसरा कोर्स कितने का? दूसरा है HC, और HC का सक्सेस कैंप होता है, वो भी 35,000 रुपए का है, और वो भी 2 महीने का है। उसमें हम कंप्लीट HC के ऊपर बिजनेस करना सिखाते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये पता चला कि आप फ्रेंचाइज की, अच्छा, फीस आपने बताई 5 लाख रुपए फीस है इनिशियल। हाँ, 5 लाख रुपए फीस है। 2,000 फुट की जगह होनी चाहिए कम से कम उसके पास। बिल्कुल। स्टूडेंट आप क्या बताएंगे कि भाई कितने स्टूडेंट होंगे तो तुम्हें 12 खाएगा? स्टूडेंट मैं समझता हूँ कम, कोई आके कहे कि मैंने दादू में बनाया है, मेरे पास 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट में उसको 12 नहीं खाएगा, उसको कम अज कम 20-25 स्टूडेंट चाहिए होंगे हर महीने, हर बैच में। अच्छा, इतने अगर वो कर लेता है तो 30 स्टूडेंट आप जहन में रखेंगे, 30 स्टूडेंट्स अगर वो निकालता है तो उसकी अपना सिस्टम अच्छा चल जाता है, खर्चा निकल आएगा उसका और कमा भी लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो ब्रेक इवन 5 लाख की जो एडवांस फीस है, फिर डेकोरेशन पे कितना पैसा रहेगा 2,000 फुट की? तकरीबन वो डिपेंड करता है, अगला बंदा कहता है जी मैं बहुत ही ज्यादा शशके लगाऊंगा तो फिर वो लगा ले। मिनिमम आप कुछ फोर्स? मिनिमम मैं समझता हूँ कि तकरीबन 7-8 लाख रुपए लगते हैं, अगर छोटी जगह की, छोटे शहर की बात करें, यानी कि जैसे आपने दादू एग्जांपल दिया। अभी छोटी जगह यहाँ पे नॉर्मली किराया कम होता है, सस्ता मिल जाता है, तो यहाँ पे चीजें 7-8 लाख रुपए हो सकती है। इस्लामाबाद जैसे शहर में डेकोरेशन पे 8 लाख रुपए लग जाएंगे,
नहीं ओवरऑल मैं बात करूं 8-10 लाख रुपए में बन जाता है, जिसके अंदर आप कैंपस कोई जगह डिपॉजिट देते हैं, कुछ फर्नीचर डालते हैं, थोड़ी बहुत डेकोरेशन करते हैं। अब डेकोरेशन मुनासिब वही है ना, फर्नीचर है, लाइटिंग्स हैं, दरवाजे हैं, लोगो शोगो है, कंप्यूटर्स नहीं चाहिए, कंप्यूटर्स नहीं चाहिए होते, कंप्यूटर्स लोग उमूमन अपना लेकर आते हैं। हमारा प्लान है हम 2-3 कंप्यूटर्स वैसे स्पेयर कराएंगे, ताकि वो जो नीडी लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड, उनके लिए कुछ हम सिस्टम बना सकें, उसके ऊपर अभी वर्किंग जारी है। ठीक है, तो अब कोई भी साथी जिन्होंने ये देखी, मेरा सजेशन है कि अगर आप इनसे फ्रेंचाइज लेना चाहते हो या अपने इलाके में अमेजोन की ट्रेनिंग कराना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप इनके 2-3 सेंटर विजिट करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और इन जगहों पे जाएं और देखें कि भाई मैंने ये सीखा है। उसके बाद आप हुज़ैफ़ा से कॉन्टेक्ट करें और अपने हिसाब से वर्किंग करें। अगर आपके पास 30 स्टूडेंट जमा हो जाते हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि लोग बोल देते हैं बाद में मुकर जाते हैं, तो आप क्या करें कि आप कम से कम 30 लोगों से ना 5,000-5,000 रुपए, 10,000-10,000 रुपए एडवांस पकड़ लें। उससे फायदा ये होगा कि आपके पास जो इनकी इनिशियल इनकी फीस है 5 लाख रुपए, तो इनकी फीस है, तो अगर आपने 15,000 रुपए पकड़ लिए 30 लोगों से, तो आपके 5 लाख जो फीस थी वो आ गई, और उनको कोई उनको बता दें कि भाई वो आप अपने खर्चे पे लें, यानी कि आपको भरोसा है कि आप ये करना चाहते हैं तो आप उनसे वो ले लें, तो उसके बाद आप फ्रेंचाइज लें और शुरू कर दें। फ्रेंचाइज लेने का फायदा क्या होता है, फ्रेंचाइज लेने का फायदा पहले मैं बताऊंगा फिर ये खुद बताएंगे। फ्रेंचाइज लेने का फायदा ये होता है कि जैसे हमने बताया ब्रांड होता है आपके पास, आपके पास पहले दिन से कस्टमर आना शुरू हो जाता है। क्यों आना शुरू होता है कि एक दूसरे इलाकों के अंदर जो उनके हजारों कस्टमर हैं वो बताते हैं अपने कजन को, बेटा वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां पे खुल गया सेंटर, तो ये भी जाते भी हैं, इनॉग्रेशन भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं। दूसरा आपको सिस्टम मिल जाता है, फीस लेने का सिस्टम, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, कोर्सेज, हर चीज बनी बनाई आपको मिल जाती है, तो आपकी दुकान दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाती है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या करें। मैं अपनी दुकान का बता दूं, मेरा सोशल मीडिया इनक्यूबेटर को 4th महीना है, अभी तक फ्लायर नहीं रेडी हुए, तो इट टेक्स टाइम टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। कहने को आसान लगता है कि क्या है इसमें, और हो सकता है बहुत सारे लोग फ्लायर बनाने में अच्छे हों लेकिन बाकी चीजों में अच्छे ना हो, तो हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी की भी, जिसको जो आपको टीचर अच्छा लगता है उसके साथ पार्टनरशिप करें। एग्रीमेंट कितने साल का होता है? 3 साल का एग्रीमेंट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म शादी में इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली इनके साथ आए। 13-14 लोगों ने तो दिए हैं, उनसे जाके आप मिलेंगे, वो फ्रेंचाइजीज हैं, वो खुद ही बताएंगे कि यार ऐसे नहीं, ऐसे हमें ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ। मैं 2-3 से मिला हूँ, वो तो सब मोहब्बत करते हैं इनसे, क्योंकि इन्होंने उनकी हेल्प की होगी, सपोर्ट किया होगा, तो वो ख्याल भी करते हैं। और आपका जो है इंशाल्लाह अल्लाह में आपके रिस्क में बरकत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।